अभी तो आपको उसका मॉक हो रहा है, सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं उसमें आई थिंक, ठीक है, पर सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट होंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है बेटा, जो है सब्जेक्ट वाइज भी होंगे टेस्ट, पर अभी जो हो रहा है आप इतने उनको दो। चलो वी विल बिगिन द क्लास। अभी हम सबसे पहले जो है क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों का हुआ था संडे को, जो टेस्ट आपका हुआ था, वी विल डिस्कस दैट एंड देन वी विल मूव अहेड, ठीक है। तो आप लोगों को कोई डाउट क्वेश्चन पेपर में है तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं तो डिस्कस करूंगी ही, बट वी विल नॉट वेस्ट सो मच टाइम हियर, ठीक है। तो जो आपका डाउट है आप पूछ लो फटाफट क्वेश्चन में कौन सा है, देन वी नीड टू मूव अहेड। ओके फाइन, सो द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू हियर, विच चैप्टर हमारा, कौन सा चैप्टर हमारा, अभी सर्कुलेशन में थोड़ा सा रह रहा है आई थिंक, है ना, रेगुलेशन और डिसऑर्डर वाला पार्ट रह रहा है, वो हम कवर करके देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर एक्सक्रीशन, ठीक है। तो आज हम सर्कुलेशन का वो वाला पार्ट कवर कर लेंगे बेटा, पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं जो आपने संडे को टेस्ट दिया है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, क्या करके आयो क्वेश्चन नंबर 41 का, कोई ऐसा जिसका 41 गलत हुआ हो, इट्स सो कोल्ड हियर। सबरीन इज सेइंग डी, डी इज द राइट आंसर, और कोई बच्चा, कोई बच्चा ऐसा जो क्वेश्चन नंबर 41 को गलत करके आया हो वो मुझे बताओ एक बार, मैं पूछना चाहूंगी कि जो गलत करके आया उसने क्या सोचा, क्या दिमाग लगाया कि उसका गलत हुआ। डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, हमें शटल सिस्टम के बारे में पता है थोड़ा बहुत, रिविजन क्लास अगर आप लोगों ने अटेंड की हो तब भी मैंने बताया था शटल सिस्टम के बारे में। शटल सिस्टम बेसिकली क्या है बेटा, आपको पता है जब आपका रेस्पिरेशन हो रहा होता है सेल के अंदर, जब रेस्पिरेशन हो रहा होता है तो ग्लाइकोलिसिस वाले स्टेप पे जो दो एटीपी बनती हैं प्लस जो एनएडीएच बनता है, वो एनएडीएच बाद में कहाँ मूव करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस तो हुई साइटोप्लाज्म में, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हुई, अब साइटोप्लाज्म में एनएडीएच बना ग्लाइकोलिसिस के दौरान, लेकिन एनएडीएच से एनर्जी अगर हमें बनानी है, एटीपी अगर हमें बनानी है, तो उसे माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है, वहीं पे हमें एनएडीएच से एटीपी मिलती है। तो एनएडीएच को माइटोकॉन्ड्रिया तक ट्रांसफर करने के लिए दो एटीपी का खर्च हो जाता है, ठीक है, उसी को शटल सिस्टम कहते हैं। देयर आर सम ट्रांसपोर्टर्स, जो ग्लाइकोलिसिस से जो एनएडीएच बन रहा है उसे साइटोप्लाज्म से उठा के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रखते हैं, तो वो फ्री में तो ट्रांसपोर्ट करेंगे नहीं, वो कहेंगे कि भाई हमें कुछ तो दो, तो वहां पे बदले में दो एटीपी का खर्च होता है। तो टोटल अगर आप कैलकुलेट करोगे रेस्पिरेशन की एटीपी, आपको 38 मिलेंगी बाय कैलकुलेशन, अगर आप करोगे ना सारी एटीपी अगर आप कैलकुलेट करोगे, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, लिंक रिएक्शन, ईटीएस सब मिला के कैलकुलेट करोगे, तो आपको पता लगेगा कि 38 एटीपी बनती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि शटल सिस्टम यूज हो रहा है, क्योंकि एनएडीएच को ट्रांसपोर्ट करते टाइम दो एटीपी खर्च हो जाती है, यूज हो जाती है, तो 38 माइनस 2, तो नेट जो एटीपी हमें मिलती है दैट इज 36। समझ में आया, किसी और को डाउट है इस सवाल में? नेक्स्ट देखो, 42 वाज वेरी इजी, सिंपल आपके एनसीईआरटी से आया ये, तो कोई बच्चा जो 42 गलत लगा के आया हो? सबरीन ए बिल्कुल सही जवाब, ए इज द राइट आंसर। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का, दो कार्बन का एसिटाइल कोए एंड दे कंबाइन एंड दे फॉर्म अ 6 कार्बन सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड कितने कार्बन का है भाई? अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का है, यहाँ पे एक CO2 निकलती है तो 6 कार्बन से 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। फिर सक्सिनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन का है, अगेन एक CO2 निकलती है, तो देखो एसिटाइल कोए में 2 कार्बन थे और 2 कार्बन, ये एक CO2 निकली और ये दूसरी CO2, 2 CO2 निकल चुकी, ठीक है। उसके बाद 4 कार्बन सक्सिनिक एसिड, और उसके बाद मैलिक एसिड भी 4 कार्बन, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी 4 कार्बन, और फिर ये 2 कार्बन के साथ मिलकर 6 कार्बन, तो ऐसे साइकिल चलती रहती है। सो ए इज द राइट आंसर, नथिंग कंसेप्चुअल वॉज हियर। कोई क्वेश्चन जिसमें आपको लगा हो कि हाँ भाई ये नहीं बन रहा है, टफ लग रहा है, कोई नया कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, देन यू कैन आस्क, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 43, इसका क्या किया बच्चों? 43 ऑल्सो वेरी सिंपल, ए सॉरी, मुझे पता है कि स्टेटमेंट 1 को ट्रू और स्टेटमेंट 2 को ट्रू डिक्लेयर करने में आप लोगों को टाइम नहीं लगा होगा,
स्टेटमेंट वन को ट्रू और टू को ट्रू डिक्लेयर करने में टाइम नहीं लगा होगा. कंफ्यूजन अगर कुछ बच्चों को हुआ भी होगा तो यहाँ हुआ होगा कि इज इट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. क्या मैं सही बोल रही हूँ? क्या कोई बच्चा ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूज हुआ था? ए और बी में कंफ्यूजन का सामना करना पड़ा था किसी बच्चे को? यस मैम, नो मैम, यस मैम, नो मैम. ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं करना पड़ा था, पर कुछ बच्चों को मे बी करना भी पड़ा हो. और assertion reason वाले questions में mostly ऐसा होता है कि आपको अगर ये पता चल गया कि स्टेटमेंट वन सही है और स्टेटमेंट टू भी सही है, तो उसके बाद कंफ्यूजन होती है ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा. इन दो स्टेटमेंट में कंफ्यूजन रह जाती है. तो उस केस में आप एक ट्रिक यूज किया करो. ट्रिक क्या है कि आप है ना सबसे पहले पढ़ा करो जो स्टेटमेंट बी है उसको. स्टेटमेंट बी को आप पढ़ा करो. जस्ट अ सो सॉरी बेटा, सो सॉरी. ओके फाइन. स्टेटमेंट बी को आप पहले पढ़ा करो. स्टेटमेंट बी पढ़ने के बाद यू पुट अ बिकॉज, आप बिकॉज को रखा करो और उसके बाद आप स्टेटमेंट ए को पढ़ा करो. दिस इज द ट्रिक टू फाइंड कि ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा. ठीक है, तो अभी आप इसको ट्राई करके देखो. अगर स्टेटमेंट बी, फिर बिकॉज और फिर स्टेटमेंट ए को पढ़ने के बाद जो कंप्लीट स्टेटमेंट बन रहा है वो सेंसफुल अगर है, उसका एक करेक्ट मीनिंग अगर निकल रहा है, वो स्टेटमेंट पढ़ने में अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, समझ आ रहा है कि एक सेंसफुल स्टेटमेंट बन रहा है, देन इट वुड बी करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा. और अगर वो स्टेटमेंट जो है वो इलॉजिकल सा लग रहा है, नॉन सेंसफुल लग रहा है, ठीक है, एक कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लग रहा, तो आंसर होगा बी. अब आप 43 में अप्लाई करो इसे. आप पढ़ो स्टेटमेंट टू को, पढ़ो पहले स्टेटमेंट टू को पहले पढ़ो, फिर स्टेटमेंट वन को पढ़ो बिकॉज लगा के. तो आप पढ़ना शुरू करोगे तो यू विल स्टडी लाइक कि एंजाइम्स फॉर ग्लाइकोलिसिस आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म. इट इज कॉमन इन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म. तो बिल्कुल ठीक बात है, ये कॉमन है एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में अकर होती है. तो जब आपने इसको कंप्लीट एक रूप दे दिया, वन पहले टू को पढ़ा, फिर बिकॉज को पढ़ा, फिर स्टेटमेंट वन को पढ़ा, तो आपको एक सही स्टेटमेंट मिल रहा है. ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा. अगर आपको कभी कंफ्यूजन होता है तो इस तरीके से आप अप्लाई करा करो. ठीक है, डन है, नेक्स्ट मूव करें बच्चा. 44 वॉज वेरी सिंपल. 44 वॉज वेरी सिंपल. बिल्कुल, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमने कई बार पढ़ रखा है. एटीपी सिंथेज इज मोटू. ठीक है, और मोटू एटीपी बनाता है कब? जब उसमें जाते हैं प्रोटोन. प्रोटोन बोले तो समोसा, समोसा इज इक्वल टू एच प्लस. ठीक है ना, तो एटीपी बनती है. ओके, सबको पता है. 45 में मुझे लगा था कि मे बी कुछ बच्चों को गड़बड़ हुई हो. 45 ऐसा कि किसी को नहीं आया हो. एफ वन हेड पीस इज अ क्वेश्चन नंबर 45. आंसर तो आप लोग सही दे रहे हैं, पर कुछ बच्चे हैं जो चुपचाप बैठे हैं अभी भी. ऐसा मत सोचना, चुप रहने वालों बच्चों, तुम छुपे रुस्तम हो क्या? ऐसा मत सोचना कि मैम को पता नहीं लग रहा है कि कौन चुप है और कौन बोल रहा है. हाँ, मैं बता रही हूँ प्रिया, देखो मुझे कोल्ड हो गया है, बहुत ठंड है इधर तो, बाप रे, हीटर वीटर सब फेल. वहां पे भी ऐसा ही हाल है क्या? देखो एफ वन, मेरी आवाज ठीक लग रही है ना? वैसे कहीं ज्यादा ही एकदम बिल्कुल लग रहा हो कि आज तो सुन के ही कान फट रहे हैं, मैम की आवाज को क्या हो गया? यहाँ पे वहां पे भी ठंड है ऋषभ कह रहे हैं. ठीक, एफ वन हेड पीस देखो. माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, ठीक है, जो इनर वाली मेम्ब्रेन होती है, इनर वाली मेम्ब्रेन में हमारे को पता है कि जो कॉम्प्लेक्स फाइव है, जो कॉम्प्लेक्स फाइव है वो क्या है? एटीपी सिंथेज. पांच कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं ना, ईटीएस में पढ़ते हो आप लोग, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. पांच कॉम्प्लेक्स वन से लेके फाइव तक कहां पे लगे हुए हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, है ना? तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है उसको क्या बोला? एटीपी सिंथेज बोला. एटीपी सिंथेज, ये एटीपी सिंथेज है. ठीक है, अब एटीपी सिंथेज या फिर फिफ्थ कॉम्प्लेक्स बोल लो आप, इसके दो पार्ट हैं. ये है पार्ट वन जिसको मैं शेड कर रही हूँ ब्लू से, ठीक है, और ये है पार्ट टू जिसको मैं शेड कर रही हूँ ग्रीन से. ठीक है, तो इसमें जो पार्ट वन है ना इसको बोलते हैं बेटा एफ नोड, और जो पार्ट टू है इसको बोलते हैं एफ वन. पार्ट वन को बोलते हैं एफ नोड और पार्ट टू को बोलते हैं एफ वन. तो आप देखो जो एफ वन है, इसका जो एफ वन वाला पार्ट है वो किस तरफ है? मैट्रिक्स की तरफ है.
यहाँ पे मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैट्रिक्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है जो मैंने आपको दिखाई है, ये इनर मेम्ब्रेन है इस तरीके से देखो, और इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन है डेट इज आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं इनर मेम्ब्रेन में, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं 1 2 3 4 करके ठीक है, और ये मैट्रिक्स है। तो इसका जो F1 वाला पार्ट है वो मैट्रिक्स की तरफ है ठीक है, मैट्रिक्स की तरफ, यानी कि जो मेम्ब्रेन है मेम्ब्रेन की सतह पर है, देखो मेम्ब्रेन की सतह पेरिफेरी यानी सतह, जो F1 वाला पार्ट है एटीपी सिंथेज का कॉम्प्लेक्स 5 का, वो मेम्ब्रेन की सतह पे है यानी कि पेरिफेरी वाले पार्ट पे है, इसलिए क्या बोला इसे पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन में तुमसे F1 की जगह F नोड पूछ लेता, F1 की जगह F नोड पूछ लेता तो क्या करते, तो तुम करते इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि F नोड क्या है धसा हुआ है मेम्ब्रेन में, देखो F नोड वाला जो पार्ट है वो मेम्ब्रेन में धसा हुआ है, तो ये क्या है, ये है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और ये क्या है, ये है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इतनी बात क्लियर है, अब समझ में आया प्रिया, क्लियर हो गया। 46 आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कोई गलत करके आया होगा मेरी क्लास का बच्चा ठीक है। 47 आल्सो वाज वेरी सिंपल, 48 भी बहुत सिंपल है, 48 का क्या करके आयो, 48 का डी नहीं होगा, 48 यस बी ओके, पहले वाले का आप आंसर डी किसका दे रहे थे फिर, 47 का भी डी नहीं है, ए है 47 का बेटा, बिल्कुल 48 का बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। किसी को डाउट है इसमें, एम्फीबोलिक होता है हमें पता है रेस्पिरेशन, क्योंकि क्रैब साइकिल के बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो एनाबोलिक पाथवे में यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड, 46 का डी बता रहे थे ठीक है, जैसे कि अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड है अमीनो एसिड सिंथेसिस में यूज हो जाता है ठीक है ना, सो क्रैब साइकिल में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो एनाबोलिक पाथवे में यूज होते हैं, और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन भी हो रहा है, तो एक तरीके से रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक भी परफॉर्म कर रहा है एनाबॉलिक भी परफॉर्म कर रहा है, सो वी कॉल्ड रेस्पिरेशन एज एम्फीबॉलिक, एम्फी माने दो, एम्फीबियंस जो धरती पे भी रहते हैं पानी में भी रहते हैं, सो एम्फीबॉलिक जो एनाबॉलिक भी परफॉर्म करे जो कैटाबॉलिक भी परफॉर्म करे। एक्सर्गोनिक क्यों बोल रहा, क्योंकि भाई यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, सो इसको क्या बोला एक्सर्गोनिक बोला, बिल्कुल एनर्जी रिलीजिंग, वेरी नाइस भाई। बच्चों मुझे तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं है, तुम मार्क्स भेजो अपने, पता है क्या टीम में चर्चा है, मैं बताती हूँ टीम में चर्चा है कि बच्चों के मार्क्स थोड़े से गड़बड़ आ रहे हैं, तो आई जस्ट वांट टू नो कि यहाँ पे जैसे कि तुम रेस्पोंड कर रहे हो जो आंसर्स तुम दे रहे हो, मुझे नहीं लगता कि मार्क्स गड़बड़ आए हैं, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स मेरे पास हैं ठीक है, बट आई जस्ट वांट टू नो ऑल ऑफ योर मार्क्स, ताकि मेरे पास एक ट्रैक रहे आप लोगों का, इसलिए मैं बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ सेंड मी योर मार्क्स, सो जस्ट आई कम टू नो कि जो दिख रहा है वही है कि जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है ना, कहते ना जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, सो मे बी ठीक है। तो मार्क्स ही फाइनली बताएंगे कि हमारा, और मार्क्स से घबराना नहीं है, किसी बच्चे के कम नंबर आते ना वो सैड कभी मत होना, पहली मैं बता रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आपके अंदर में डिजायर होनी चाहिए, मार्क्स वार्क्स कुछ नहीं, आनी जानी चीज है, आज कम आ गए कल ज्यादा आ जाएंगे, आज ज्यादा आ गए कल कम भी आ जाएंगे, मार्क्स के ऊपर कभी भी अपना फोकस नहीं लेके जाना कि ज्यादा आ गए तो हम बहुत खुश हो रहे हैं या कम आ गए तो हम बहुत उदास हो रहे हैं। मार्क्स क्या है, मार्क्स सिर्फ एक जज करने का क्राइटेरिया है, एनालिसिस करना है आपको खाली, मार्क्स के बाद ये देखना है कि ये चीज मेरी गलत थी, इसे मुझे ऐसे पढ़ना चाहिए था, बस और कुछ नहीं करना मार्क्स का, ये नीट का पेपर नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ, कुछ बच्चे डर के हमारे टेस्ट ही नहीं देते, मार्क्स कम आ जाएंगे मेरे ठीक है ना, बच्चे कह रहे हैं मैम मेरा रिविजन नहीं हुआ, मैम मेरी तैयारी नहीं, मेरे पास मैसेज आ रखे हैं मैम हम टेस्ट कैसे दे, अरे भाई दे दो, नीट का पेपर थोड़ी ना है, टेस्ट तो दो, टेस्ट दोगे उसके बाद आके जब देखोगे तो कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 49, अच्छा तुम लोग पूछ लो जो जो जिस क्वेश्चन में तुम्हें डाउट है, देन वी विल मूव अहेड, हमें चैप्टर भी करना है बच्चों, कोई ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आया हो अटेम्प्ट जब कर रहे थे तुम पेपर, क्वेश्चन पेपर इज इन फ्रंट ऑफ यू सो यू कैन आस्क। क्वेश्चन नंबर 53 मुझे थोड़ा सा लगा, 49 का बी, 49 मुझे देखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकंड बच्चे, 49 हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नहीं नहीं 49 का बी नहीं होगा, 49 का सी होगा बच्चे, 49 का किसने बी बोला, 49 का सी होगा। सिट्रेट सिंथेज एन एंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल, नाम से पता लग रहा है सिट्रेट सिंथेज सिट्रिक एसिड बना रहा होगा
और हमें पता है सिट्रिक एसिड टीसीए साइकिल में बनता है, ठीक है, इज लोकेटेड इन, कहां पे है? बिल्कुल बात सही है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में है, यूकेरियोट्स में, लेकिन प्रोकेरियोट्स में कहां पे है? एक बच्चे ने आंसर किया बी, एक बार बेटा मेरे को 53 सबरीन में आ रही हूँ 49, एक बच्चे ने बी आंसर किया, उसको क्लैरिफाई करने दो बेटा जी, आपने ना इसे इसे सिली मिस्टेक बोलते हैं, यही होगा एग्जाम में, आपने सिर्फ देखा कि ठीक है भाई क्रैब साइकिल का नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स का नाम है, और झट देने टिक कर दिया ऑप्शन बी, जबकि आपकी नजर ही नहीं गई कि यहाँ पे लिखा है प्रोकैरियोट्स, साइटोसोल पे नजर गई आपकी, और आपको पता है टीसीए साइटोसोल में नहीं होती, क्रैब साइकिल साइटोसोल में, बिल्कुल नहीं, बहुत सही, बिल्कुल सही सोचा आपने, लेकिन आपने प्रोकैरियोट्स पे नजर नहीं डाली, प्रोकैरियोट में तो कोई माइटोकॉन्ड्रिया नाम की चीज ही नहीं है, वहां पे तो साइटोप्लाज्म में ही होगा जो होना है, वहां टीसीए भी साइटोप्लाज्म में ही होगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बच्चा ऐसा सोच रहा हो कि प्रोकैरियोट में मैम क्रैब साइकिल होती है, भाई क्रैब साइकिल सारे एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है, फिर वो एरोबिक रेस्पिरेशन चाहे प्रोकैरियोट का हो चाहे यूकैरियोट का हो, देयर आर बैक्टीरिया ना, देयर आर बैक्टीरिया जो ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं, याद है, याद है क्या, ऑब्लिगेट एरोब्स, फैकल्टेटिव एरोब्स, ऐसे बैक्टीरिया जो बिना ऑक्सीजन के रह नहीं सकते उन्हें बोलते हैं ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, लेकिन तुम उनसे छीन लोगे तो मरेंगे नहीं, जी लेंगे, ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट, पूरा का पूरा मोनेरा किंगडम प्रोकैरियोट का है, तो प्रोकैरियोट में भी टीसीए होता है, रेस्पिरेशन होता है, सारा काम हो रहा है वहां, ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोट सुन लिया तो यू सोच लिया कि मैडम प्रोकैरियोट है तो इसमें तो ऑक्सीजन वाला होगा ही नहीं, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा ही नहीं, होता है एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोकैरियोट्स में, किसने कह दिया नहीं होता, और कहां होएगा, उनके पास कोई कमरा अलग से है ही नहीं, कोई चैम्बर कोई ऑर्गनली कुछ है ही नहीं, एक साइटोसोल है, एक साइटोप्लाज्म है बस, तो वहीं पे होगा सब कुछ, वहीं पे टीसीए होगा, वहीं पे ग्लाइकोलाइसिस होगा, ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, बोथ ए एंड बी। और कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 53, यस क्वेश्चन नंबर 53 का, आप बोलो सबरीन क्या बोल रहे थे क्वेश्चन नंबर 53 का, क्या करके आए हो क्वेश्चन 53 का सबरीन, क्या करके आए हो बेटा, ए दिनेश, ए ए ए ए, वेरी गुड वेरी गुड, कैसे किया आप लोगों ने ए, आप लोगों को मैंने साइटोक्रोम P50 के बारे में तो कुछ नहीं बताया था, मुझे पता है मैंने नहीं बताया था, फिर कैसे ए करके आए आप लोग, बड़ा अच्छा लगा मुझे ए करके आए, बहुत बढ़िया, मैंने क्यों नहीं बताया आपको साइटोक्रोम P450 के बारे में, क्योंकि जरूरत ही नहीं है जानने की आप लोगों को, बिल्कुल वाओ वेरी नाइस सुषमा मैम, बाकी एलिमिनेट कर लिए, इसी तरीके से ही करना था ये क्वेश्चन, नीट में भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन आएंगे जो आपको लगेगा दे आर आउट ऑफ सिलेबस और दे आर आउट ऑफ एनसीईआरटी, क्योंकि ये तो टर्म ही नहीं है एनसीईआरटी में मैम, और इस पे क्वेश्चन आ गया, वो एग्जामिनर आपसे ये नहीं चाहता कि आप रोबोट बन जाओ, आपको सब कुछ आता हो, वो ये चाहता है कि जितना आपको आता है क्या उतना आप सही से अप्लाई कर पाते हो। साइटोक्रोम P450 के बारे में अगर किसी को जानना है तो अब बता देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आया थोड़ा सा, जीनोबायोटिक मेटाबॉलिज्म में इसका मतलब रोल होता है, जीनोबायोटिक मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेसिकली, कि आपकी बॉडी में अगर कोई ड्रग है, कोई एंटीबायोटिक है, उसे तोड़ना है, डिटॉक्सिफाई करना है, ठीक है ना, तो उस तरीके के मेटाबॉलिक रिएक्शन को जीनोबायोटिक मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, और ये बेसिकली पाया जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहीं पे ये सारे काम होते हैं, तो आपको ये मैंने नहीं बताया और ये आपको जानना भी नहीं था, लेकिन जैसा सुषमा ने बोला कि आप इसके बारे में नहीं जानते पर इनके बारे में तो जानते हो ना, और आपको पता है ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, इनका कोई रोल नहीं है डिटॉक्सिफिकेशन जैसी चीज में, तो आप इन तीनों को एलिमिनेट कर दोगे और आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, ऐसे परफॉर्म करते हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये बैच, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी तक, बहुत अच्छा मतलब इस बैच का परफॉर्मेंस है, एक आपका बैच है और एक और बैच है B10, बोथ ऑफ दीज बैचेस वर्किंग वेरी वेल। और कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, फिर हम चलो चैप्टर पे मूव करते हैं, हमारा सर्कुलेशन वाला थोड़ा सा रह रहा है, ठीक है ना, अब कोई डाउट है तो फिर क्लास के एंड में पूछना, शुरू कर ले चैप्टर अपना, शुरू नहीं खत्म, आज खत्म करेंगे चैप्टर हम, चलो रेडी है रेगुलेशन पढ़ने के लिए, सो वी विल डिस्कस रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, फाइन।
देखो, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी क्या पढ़ना है इसके अंदर? हमें क्या पता है मैम? हमें कुछ नहीं पता, या फिर हमें सब कुछ पता है? क्या सिनेरियो, आप लोगों का क्या सिनेरियो है? एक नर्सरी क्लास के बच्चे से पूछो क्या आता है, वो कहेगा सब कुछ आता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर उसने ए टू जेड याद कर लिया और ऐसे गया ज्ञानी तक उसने याद कर लिया और 1 से 100 तक उसने याद कर लिया, तो उसे लगेगा कि उसने तो दुनिया जीत ली। एक नर्सरी क्लास के बच्चों को ऐसा लगेगा। तुम उसे पूछोगे तुझे क्या आता है, अगर उसे ये सब लर्न है, वगैरह सब कुछ आता है, कुछ भी पूछ लो। और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे आप बड़े जाते हैं, आपको पता लगता जाता है कि नॉलेज का कोई लिमिट ही नहीं है। कह ही नहीं पाते कि सब कुछ आता है ना, क्योंकि नॉलेज का सच में कोई लिमिट नहीं है। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो समुन्द्र जितना गहरा है, आप जितना जानोगे उतना ही आपको लगेगा कि अभी रह रहा है। दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन। चलो, हर्ट के बारे में हमने पढ़ा था आपको। हर्ट के बारे में मैंने सिग्नल कंडक्शन पढ़ाया था, याद है थोड़ा बहुत? सिग्नल कंडक्शन, थोड़ा बहुत सिग्नल कंडक्शन याद है क्या, या फिर पहले का सारा भूल जाते हो आप लोग? थोड़ा बहुत सिग्नल कंडक्शन तो आपको याद होगा। क्या बताया था मैंने कि एक जनरेटर होता है ऐसे नोड, वो करंट जनरेट करता है। करंट बोले तो सिग्नल, हमारी बॉडी के अंदर पूरा करंट है, यानी कि हमारी बॉडी में सिग्नल है, सिग्नल चलते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो हार्ट के अंदर देयर इज अ मस्कुलर पैच, जिसे आप ऐसे नोड बोल रहे हो, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है ना। ऐसे नोड जो है वो क्या सिग्नल जनरेट कर रहा है, क्योंकि हार्ट अपने आप ही सिग्नल जनरेट कर रहा है। दैट्स व्हाई वी यूज अ वर्ड फॉर हार्ट, दैट इज ऑटो एक्साइटेबल। अब इस ऑटो एक्साइटेबल में एक टर्म और ऐड कर लो, मायोजेनिक। कुछ भी बोलो एक ही बात है। मायोजेनिक का मतलब भी क्या है? मायोजेनिक का मतलब भी यही है, मायो माने मसल, ऐसी मसल जो खुद ही सिग्नल जनरेट कर दे, दैट्स कॉल्ड मायोजेनिक। तो हार्ट के पास ऐसी मसल है जो अपने आप सिग्नल बना रही है। तो ऐसे नोड ने सिग्नल बनाया, फिर ऐसे नोड ने वो सिग्नल कहाँ भेजा? ऐसे नोड ने वो सिग्नल भेजा एवी नोड को, और एवी नोड ने फिर वो सिग्नल भेज दिया सारी तारों को। और तारों को क्या बोला अपन ने? तारों को अपन ने बोला एवी बंडल। और एवी बंडल जब इधर चले गए और इधर चले गए, वेंट्रिकल्स में ब्रांच होके सारे वेंट्रिकल की मसल को सिग्नल दे रहे हैं, तो इसी को अपन ने बोला पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। तो इस तरीके से मसल सिग्नल का कंडक्शन होता है, हार्ट में सिग्नल फैलता है ऊपर से नीचे तक, प्रत्येक मसल को चीख चीख के ऐसे नोड करंट भेजता और कहता है कि भाई सिस्टोल कर ले, भाई अब कॉन्ट्रैक्ट हो जा, ब्लड पंप करना है। तो वेंट्रिकल वो मैसेज लेती है, वेंट्रिकल की मसल, आर्ट्रिया की मसल वो मैसेज लेती है, एंड दे स्टार्ट सिस्टोल एंड डायस्टोल, ठीक है। अब ये तो बात हो गई हार्ट में सिग्नल कंडक्शन की, ठीक है भाई। हार्ट अपने आप ही यानी कि ब्लड पंप कर लेता है, हार्ट अपने आप यानी कि बीट कर लेता है, हार्ट अपने आप ही हार्ट बीट प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है भाई, इतनी बात हमें पता है। तो लेकिन फिर वो कुछ तो होगा बॉडी के अंदर जहां से हार्ट बीट की एक्टिविटी कंट्रोल होती होगी, वरना तो जैसे अगर शेर देख लिया तो आप भाग जाओगे या आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएंगी, कुछ भी एनीथिंग, बट आपकी हार्ट बीट पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही लेट सपोज आपका कोई एग्जाम है और रिजल्ट आने वाला है, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, आपकी हार्ट बीट पे फर्क पड़ता है। तो देयर आर, जैसे बहुत टेम्परेचर कोल्ड है, ठीक है ना, तो अगर आप मान लो सुने हो गए हो बिल्कुल ही, जैसे कि आप लैक ऑफ एनर्जी आप में है, तो वहां पे आपकी हार्ट बीट जो है वो धीरे हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड पे आप जाते हो तो आपकी हार्ट बीट वेरी करती है। तो बहुत सारे सिनेरियोज हैं जहाँ हार्ट बीट कभी फास्ट हो रही है तो कभी स्लो हो रही है। तो वो कैसे हो रहा है फिर? हार्ट बीट का रेट कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? कौन है बॉडी के अंदर जो बैठ के हार्ट बीट के रेट को कंट्रोल कर रहा है कि अब तुझे तेज होना है या अब तुझे धीमा होना है? ये कैसे हो रहा है? यहाँ पे देखो, क्यों आपके जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है, वैसे आप वहां डिटेल में पढ़ोगे, पर मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है, बेसिकली वहीं से सारे सिग्नल हमारी बॉडी में जाते हैं हर ऑर्गन को। तो नर्वस सिस्टम हमारा दो भागों में बटा हुआ है। नर्वस हमारा जो सिस्टम है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्या बोला मैंने? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आता है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आपकी नर्व्स आती हैं सारी। नर्व्स बोले तो क्या, ठीक है, नर्व्स बोले तो क्या कि आपकी जैसे ब्रेन है, ठीक है ना,
ब्रेन के पास स्पाइनल कॉर्ड है, और ब्रेन के बाद फिर बॉडी के हर ऑर्गन तक, ब्रेन ने तो मैसेज बनाया लेकिन वो मैसेज, वो सिग्नल बॉडी के हर ऑर्गन हर सेल तक पहुंचाने का काम तो नर्व्स ही करती हैं। सो आपके बॉडी में जैसे वेगस नर्व है, ठीक है ना, और डिफरेंट सो मेनी नर्व्स आर देयर, आपके प्रत्येक ऑर्गन को अलग अलग नर्व जा रही है, तो वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आता है, और ब्रेन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। अब ब्रेन के तीन पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में भी कई पार्ट है, मैं आपको एक पार्ट का नाम बताऊंगी यहाँ पे, जिसका नाम है मेडुला ओब्लॉन्गेटा। ये क्या करता है बेसिकली, यहाँ पे ये जो पार्ट है ब्रेन का बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेगुलेटरी सेंटर है, यहाँ पे एक रेगुलेटरी सेंटर है, एक रेगुलेटरी सेंटर है किसके लिए, फॉर कंट्रोलिंग हार्ट एक्टिविटी या कार्डियक एक्टिविटी, कुछ भी कह लो। मतलब कि ये जो आपको अभी मैं बता रही थी कि हार्ट बीट कभी तेज हो रही है कभी धीमी हो रही है, इसको कंट्रोल करने का जो सेंटर है वो कहाँ पे है, मेडुला ओब्लॉन्गेटा के पास है। अब यहां से बहुत सारी नर्व्स जो है वो जा रही है हार्ट को, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोला उन नर्व को जो ऑर्गन तक जा रही है, और हार्ट भी एक ऑर्गन है तो हार्ट को भी नर्व जा रही है। अब ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये फर्दर डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला है पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और सॉरी हाँ ठीक है पैरासिम्पैथेटिक ले लो पहले, और दूसरा है सिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। एक है पैरासिम्पैथेटिक और एक है सिम्पैथेटिक। फर्क क्या है, अगर आपकी हार्ट को सिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का सप्लाई जाएगा, मतलब कि मेडुला ओब्लॉन्गेटा में सेंटर है और वहां से नर्व जा रही है, और वो नर्व पैरासिम्पैथेटिक वाली है, वो नर्व है पैरासिम्पैथेटिक वाली, तो आपकी हार्ट बीट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई इनिबिशन का काम करती है, यानी कि वो मसल्स को कहेगी कि तुमको इस टाइम जो पंप करना है वो स्लो करना है, सिस्टोलिक प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, हार्ट बीट का रेट भी कम हो जाएगा, कि अगर एक मिनट में 72 बार हार्ट की रेट है बीट करने की, तो वो रिड्यूस होके 72 से मे बी एक मिनट में कितना हो जाए, 70 हो जाए या 60 हो जाए, 65 हो जाए, तो देर विल बी इनिबिशन, हार्ट बीट स्लो हो जाएगी। वहीं अगर हार्ट को सिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सप्लाई जाएगा तो हार्ट बीट की जो रेट है, हार्ट बीट की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन का सिग्नल जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, आप सोचो कि आपने, लेट सपोज आपके सामने कोई डरावना सीन देख लिया, आपने कोई शेर देख लिया, समथिंग एनीथिंग, कुछ भी ऐसा आपने देखा लेट सपोज जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एड्रेनलिन बना। एड्रेनलिन क्या है, एक हॉर्मोन है जिसे इमरजेंसी हॉर्मोन कहते हैं। सो कोई भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन आपके सामने आई लेट सपोज, और आपकी बॉडी ने एड्रेनलिन बनाया, तो वो एड्रेनलिन क्या करेगा, एक सिग्नल का काम करेगा, किसके लिए, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो रेगुलेटरी सेंटर है मेडुला ओब्लॉन्गेटा में, उसके लिए वो उसको बोलेगा कि अभी इमरजेंसी की सिचुएशन है, यानी कि हार्ट बीट उस टाइम तेज होने चाहिए, फास्ट होने चाहिए, तो वहां पे फिर वो रेगुलेटरी सेंटर कौन से नर्व की सप्लाई भेजेगा, सिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक सप्लाई भेजेगा, और हार्ट बीट की रेट इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से हार्ट बीट जो है वो रेगुलेट होती है। क्लियर है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को, हाउ द रेगुलेशन ऑफ। And now comes to the last topic of this chapter, that is disorders of circulatory system. Disorders of circulatory system. ठीक है, तो हम सब कुछ देख चुके कि कैसे दिल धड़कता है और कैसे जो है वो धड़कन जो है आपकी ऊपर नीचे फास्ट और स्लो कैसे होती है, कैसे उसका रेगुलेशन होता है। एंड द लास्ट टॉपिक इज कि गड़बड़ कैसे होती है भाई, और दिल में तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि दिल है तो सब कुछ है, है ना, आप भी तभी हो, हम भी तभी हैं। सो हार्ट की एक्टिविटी में कोई भी तरीके का डिसऑर्डर ऑलवेज लेड्स टू अ ट्रॉमा। इसलिए तो लोग बीपी की टेंशन और बीपी का जो प्रॉब्लम है कि लोग बोलते रहते हैं सामने, अब कभी घर में या आसपास ब्लड प्रेशर वाला सिनेरियो तो आपने जरूर देखा होगा, ये वाला डिसऑर्डर तो बहुत कॉमन है। ठीक है, तो उसमें भी लोग टेंस इसलिए रहते हैं बिकॉज दिस थिंग, दिस डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू द हार्ट, और हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है देन एक अलग ही थोड़ा सा उसके लिए फियर जो है among the persons पाया जाता है, कि because everybody know कि heart से related disorder थोड़ा सा
दिक्कत वाली चीज है, इसलिए लोग ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से भी बचना चाहते हैं और घबराते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत कॉमन हो गया है। रीजन भी आपको बताएंगे अभी, पहले समझते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है क्या। हम सबको पता है कि जो ब्लड जो है, जो ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रेवल कर रहा है, वो ब्लड वेसल्स पर एक प्रेशर क्रिएट करता है। पास्कल्स लॉ आपने अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री में कभी पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जब कोई लिक्विड जो है किसी भी पाइप में, किसी भी बलून में लिक्विड आपने भर दिया, सब एक्सपेरिमेंट भी आपने देखा होगा, तो वो अपनी वॉल्स पे एक प्रेशर क्रिएट करता है, उस कंटेनर की वॉल पे उस लिक्विड से एक प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, ऐसे ही ब्लड भी ब्लड वेसल्स पे एक प्रेशर क्रिएट करता है, उसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर बोलते हैं, उसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर, मतलब नॉर्मली जो ब्लड ट्रेवल कर रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर को बोला गया है 120/80 mmHg। पहली बात तो mmHg क्यों लगाते हैं हम, क्योंकि हम मरकरी के लेवल से प्रेशर को मेजर करते हैं। जो मरकरी होता है ना, मरकरी का लेवल जितना ऊपर जाता है उतना पहले बोलना। हाँ जी मैम, mm का यूनिट मिली बोल होते थे। मिली मोल नहीं है यहाँ पे मिलीमीटर से है। मर्करी का लेवल जो है यहाँ पे हाइट से कंपेयर होता है, मोल से कंपेयर नहीं होता। ठीक है ना, क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। मर्करी का लेवल हाई होता है तो दैट मींस उसको, उसका लेंथ, उस लिक्विड का लेंथ मेजर करते हैं। थर्मामीटर में क्या मेजर करते हैं हम, थर्मामीटर में मर्करी का लेवल ही मेजर करते हैं ना। ठीक है, टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर में हम मर्करी का लेवल ही तो मेजर कर रहे हैं ना। तो वो हमारा जैसे टेम्परेचर राइज होता है तो मर्करी का लेवल जो है वो राइज होता है। तो दैट्स नॉट अबाउट मोल, मोल इज अ यूनिट यूज फॉर द क्वांटिटी, या क्वांटिटी के टर्म्स में अपन नहीं नाप रहे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब 120 और 80 क्या है, ये अलग अलग दो ब्लड प्रेशर क्यों लिए हमने, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास दो टाइप की ब्लड वेसल्स है, एक है आर्टरी और एक है वेन। आर्टरी में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो हमेशा ज्यादा होता है और वेन में कम। रीजन आपको पता है, क्योंकि आर्टरी में जो ब्लड आया वो कहां से आया है, आर्टरी में ब्लड आया वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल ने ब्लड पंप किया तो वो आर्टरी में गया। वेन में ब्लड आया है, बॉडी के सेल्स ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रिलीज किया है वो वेन में आया। तो वेन में ब्लड कोई भारी फोर्स से नहीं आया, ऐसा नहीं कि मैंने दम लगा के पंप किया ब्लड वेन के अंदर, लेकिन दम लगा के ब्लड मैंने पंप किया है आर्टरी में, मैंने मतलब वेंट्रिकल में, मैं वेंट्रिकल हूं तो वेंट्रिकल कह रहा है मैंने पूरा फोर्स लगा के आर्टरी में ब्लड भेजा है, तो ऑफकोर्स आर्टरी में ब्लड का प्रेशर ज्यादा मिलेगा। इसी को सिस्टोलिक प्रेशर भी बोलते हैं, जैसा एक बच्ची लिख रही है डायस्टोलिक प्रेशर, वेन में जो प्रेशर है वो डायस्टोलिक प्रेशर है। उसे डायस्टोलिक प्रेशर क्यों बोला, क्योंकि वो रिलैक्स्ड फॉर्म में है, उसको उस ब्लड को फिल करने के लिए कोई बाहर से पंप नहीं लगाया आपने। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो एक नॉर्मल आर्टरी में प्रेशर कितना 120 mmHg, एक नॉर्मल वेन में प्रेशर कितना 80 mmHg। ठीक है, नॉर्मली डायस्टोलिक के टाइम पे, जब रिलैक्स कंडीशन है तब, अच्छा सॉरी, रिलैक्स कंडीशन में आर्टरी में भी 80 mmHg रहेगा, जब आपने पंप किया वेंट्रिकल ने फोर्स लगा के उस टाइम सिस्टोलिक प्रेशर, और जब रिलैक्स में है तो उस टाइम डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, अब अगर ये प्रेशर 120 से ऊपर जाए और 80 से ऊपर चला जाए, देन इट विल बी कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर, और ये प्रेशर अगर 120 से नीचे जाए या 80 से नीचे जाए, देन इट विल बी कॉल्ड लो ब्लड प्रेशर। आपने कभी नोट किया हो, जो आईवी इंजेक्ट होता है, जैसे ड्रिप वगैरह लगती है इंट्रावेनस, वो हमेशा वेन में ही क्यों लगती है, आर्टरी में क्यों नहीं लगती, क्योंकि वेन का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, वेन में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो क्या होता है, कम होता है एज कंपेरिजन टू आर्टरी। क्लियर है, डन है इतनी बात। नेक्स्ट मूव करें, हाई ब्लड प्रेशर के बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है, यहाँ पे देखो, ये हर्ट है जो सबको ब्लड बांट रहा है, ये हर्ट जो है सबको ब्लड बांट रहा है। ठीक है, ये हर्ट सबको ब्लड बांट रहा है, लेकिन इस हर्ट को ब्लड कौन दे रहा है, ब्लड बोले तो ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन है और हर्ट पूरे बॉडी को ऑक्सीजन दे रहा है, पर हर्ट को ऑक्सीजन कौन दे रहा है, देयर मस्ट बी सम ब्लड वेसल ना जो हर्ट को ऑक्सीजन दे। हमने यहाँ पे ओर्टा पढ़ लिया जो बॉडी को जाती है, ठीक है, उसके बाद फिर हमने वो पढ़ ली पल्मोनरी आर्टरी पढ़ ली जो लंग्स को जाती है, बट वी हैवंट रीड अबाउट एनी ब्लड वेसल जो हर्ट को जा रही हो, जो हर्ट को ऑक्सीजन दे रही हो। सो देयर इज अ आर्टरी, बिल्कुल सही, देयर इज अ आर्टरी जो हर्ट को जाती है और उसका क्या नाम है बेटा, कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी। अब अगर इस कोरोनरी आर्टरी में, लेट सपोज ये कोरोनरी आर्टरी है, और अब अगर इस कोरोनरी आर्टरी में
कोई फैट या कोई कोलेस्ट्रोल, कोई कैल्शियम, कुछ अगर इस तरीके से डिपॉजिट होने लगेगा तो कोरोनरी आर्टरी धीरे धीरे ब्लॉक होने लगेगी। और अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होने लगेगी तो हार्ट को ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी, ब्लड सप्लाई टू हार्ट विल स्टॉप। ब्लड सप्लाई टू हार्ट मैं स्टॉप तो नहीं बोलूंगी पर रिड्यूस तो बोल सकती हूँ, क्योंकि अगर ब्लड की सप्लाई हार्ट को पूरी बंद हो गई, हार्ट को ब्लड जा ही नहीं रहा, हार्ट की मसल को ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा, तो हार्ट की मसल त्राही त्राही करके मरने को हो जाएंगे। और अगर हार्ट की मसल मर गई, हार्ट की मसल को ऑक्सीजन नहीं मिली, उनने काम करना बंद कर दिया, तो तब तो कौन सी कंडीशन आने का चांस है, हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन आने का चांस है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज वो नहीं है कि हार्ट की सारी मसल खराब हो गई। कोरोनरी आर्टरी डिजीज या आर्थरोस्क्लेरोसिस जिसको आप बोल रहे हो, ये वो कंडीशन है जहां पे आपकी कोरोनरी आर्टरी जो है नैरो होती जा रही है और हार्ट की मसल्स को ब्लड की सप्लाई कम हो रही है, उस कंडीशन को बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हाँ जी बिल्कुल, डिजीज का सोल्यूशन एंजियोप्लास्टर हो सकता है, ठीक है ना, मे बी सर्जरी, मतलब सर्जरी, यस सर्जरी इज द ट्रीटमेंट, आर्थरोस्क्लेरोसिस में सर्जरी इज द ट्रीटमेंट। बिकॉज वॉट इज द सोल्यूशन टू रिमूव दोज डिपोजिशंस जो आर्टरी पे लग गए हैं, कोरोनरी आर्टरी पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं एंजिना पेक्टोरिस आपको बाद में बताऊंगी, पहले ये समझो कि कोरोनरी आर्टरी धीरे धीरे नैरो होने लग रही है, कोरोनरी आर्टरी नैरो होने लग रही है, और नैरो होते होते अगर कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो जाए, बंद हो जाए, तो क्या होगा? अगर कोरोनरी आर्टरी पूरी बंद हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा, हार्ट की जो मसल्स हैं वो डैमेज होने लग जाएंगे। अगर थोड़ा हार्ट की सप्लाई, जैसे कि हार्ट की मसल को ब्लड जा रहा है, ठीक है ना, तो सारी मसल्स को ब्लड जा रहा है, अब कोरोनरी आर्टरी में कुछ कुछ डिपॉजिट होने लगा तो ब्लड सप्लाई कम हो गई हार्ट को, तो ऐसे में हार्ट की कुछ मसल धीरे धीरे डैमेज होने लगेंगी। और अगर ये बहुत लंबे टाइम तक चला तो सारी मसल भी डैमेज हो सकती है, पर एक टाइम जब जब काफी एक्सट्रीम हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो ऐसा होगा कि हार्ट की मसल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, उस कंडीशन में क्या होगा, हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि जल्दी संभाल लेना चाहिए, कि आपको अगर आपको एथेरोस्क्लेरोसिस जो है डायग्नोज हुआ है तो आपको जो है सर्जरी के अंडर ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, अगर आप उसे कंटिन्यू रखोगे तो धीरे धीरे मसल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, और मसल डैमेज शुरू होने लगी तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, क्या डिफरेंस है आर्थरोस्क्लेरोसिस और हार्ट अटैक के अंदर? टिश्यू से हार्ट में ब्लड लेकर जाती है वेना कैवा। हाँ बिल्कुल, टिश्यू से हार्ट में ब्लड लेकर जा रही है वेना कैवा, लेकिन उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है। वेना कैवा जो ब्लड लेके जा रही है उस ब्लड में ऑक्सीजन थोड़ी ना है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हार्ट की मसल क्या चार डालेंगी? हार्ट की मसल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी चाहिए ना। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ले रहा है हार्ट की मसल को? कोरोनरी आर्टरी दे रही है बेटा, और कोरोनरी आर्टरी में अगर डिपोजिशन होने लग गया, वो नैरो होने लग गई, तो ब्लड की सप्लाई कम होगी किसको? हार्ट को। जब देने वाला ही कमजोर होगा तो बाकियों का क्या होगा? अगर टीचर डिमोटिवेट हो जाए तो बच्चों का क्या होगा? ऐसा होता है ना, मतलब समझ रहे हो आप मेरा सेंस? समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? कि हार्ट की मसल अगर वीक हो रही है तो फिर बॉडी में तो दिक्कत आनी आनी है, तो हार्ट अटैक दिक्कत का कारण इसलिए है ना, क्योंकि हार्ट अटैक का मतलब क्या है कि हार्ट की मसल हैज स्टार्टेड डैमेजिंग। हार्ट की मसल जो है वो डैमेज होना शुरू हो गई है, फिर हार्ट फेलियर क्या है? मैं डिफरेंस आपको समझाती चल रही हूँ तीनों चीजों में। हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि हार्ट ने पूरे के पूरे ही हार्ट ने ब्लड पंप करना बंद कर दिया है। हार्ट अटैक में तो हार्ट की कुछ मसल डैमेज हुई है, ठीक है, लेकिन हार्ट फेलियर में क्या है कि पूरा का पूरा हार्ट ही, उसमें ही पूरे हार्ट में ही दिक्कत है, हार्ट ही ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, पूरा हार्ट ही ब्लड पंप नहीं कर पा रहा। और अगर ऐसा हुआ कि हार्ट जो है वो ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, तो इसका सबसे पहला सिम्टम कहां दिखेगा? अगर हार्ट जो है, अगर हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, ब्लड पंप नहीं कर पाएगा हार्ट, तो इसका पहला सिम्टम दिखेगा लंग्स के ऊपर, इसका पहला सिम्टम लंग्स पे दिखेगा। क्योंकि सोचो अगर हार्ट ब्लड पंप नहीं कर रहा तो फिर कौन बंदा, कौन ब्लड वेसल को भेजेगा लंग्स के पास कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो? हार्ट ही तो है ना जो ब्लड, जो पल्मोनरी आर्टरी को भेजता है लंग्स के पास।
अगर हार्ट ब्लड पंप ही नहीं करेगा तो लंग्स में जो ऑक्सीजन भरा हुआ है वो एक्सचेंज कैसे होगा, कैसे CO2 वहां तक जाएगी और ऑक्सीजन बॉडी को आएगी। तो पहला जो सिम्टम दिखेगा हार्ट फेलियर का वो किस पे दिखेगा बेटा, लंग्स पे दिखेगा। दैट्स व्हाई कॉल्ड कंजेशन ऑफ लंग इज द मेन सिम्टम। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? ये आपको क्लियर हुआ? पहले मेरे को ये बताओ, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और आर्थरोस्क्लेरोसिस तीनों थोड़े थोड़े रिलेटेड हैं पर डिफरेंस है। एक में मसल पूरी तरह डैमेज हो रही है धीरे धीरे एक एक करके, तो हार्ट अटैक क्यों डैमेज हो रही है, क्योंकि CAD में डिपोजिशन शुरू हो गया। अच्छा, हार्ट की मसल डैमेज होने के और भी कारण हो सकते हैं, आर्थरोस्क्लेरोसिस इज वन ऑफ द रीजन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोनरी आर्टरी में कुछ डिपोजिट होगा तो ही हार्ट की मसल डैमेज होगी, हार्ट की मसल बहुत चीजों से डैमेज हो सकती है, कई कारण उसके हो सकते हैं। ठीक है ना, वो आपको सारे कारण यहाँ नहीं पढ़ने, पर आपको यहाँ डिफरेंस क्लियर होना चाहिए हार्ट डिसऑर्डर में। एक डिसऑर्डर हमारा बच गया, दैट वी कॉल्ड एंजिना पेक्टोरिस। ये भी बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, ये आपने कई बार सुना होगा, किसी ना किसी पर्सन को आपने कहते सुना होगा कि दे आर फीलिंग चेस्ट पेन, या आपने भी कभी फील किया हो चेस्ट पेन, अगर कभी किसी को आपने कहते हुए सुना है, दैट इज एंजिना पेक्टोरिस। चेस्ट पेन बेसिकली क्या है, चेस्ट पेन इज नथिंग लाइक हार्ट अटैक, चेस्ट पेन इज नॉट हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में हार्ट की मसल डैमेज हो रही है, चेस्ट पेन में क्या है, चेस्ट पेन में क्या है, आपको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। अब दैट कैन बी फॉर अ मोमेंटरी पीरियड ऑल्सो, हो सकता है आपको एक थोड़े समय के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा प्रॉपरली एंड यू स्टार्टिंग फीलिंग चेस्ट पेन। आप हाई एल्टीट्यूड पे गए बहुत ज्यादा, आपको ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं मिल रही, मे बी यू फील चेस्ट पेन, तो वो थोड़े समय के लिए भी हो सकता है। एंजिना पेक्टोरिस ऐसा नहीं है कि कोई क्रॉनिक डिजीज होगी। ठीक है, सो आपको ऑक्सीजन का सप्लाई अगर कम है, अगर आपको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, तो बॉडी में अगर डेफिशिएंसी तो हार्ट को भी डेफिशिएंसी होगी, हार्ट की वेसल्स को भी ऑक्सीजन थोड़ा कम जा रहा है, तो अगर हार्ट की मसल को ऑक्सीजन किसी भी कारणवश इनफ नहीं मिल रहा, देन यू कैन फील चेस्ट पेन, सो दैट्स कॉल्ड एंजिना पेक्टोरिस। क्लियर है, आपके डिसऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर में यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, एंड देन वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। Anyone having any doubt till now? Is everything clear? सब कुछ सही है तो thumbs up करके बता दो, all clear? कैसा था chapter? अच्छा लगा, मजा आया, कुछ सीखने को मिला, नई बातें थी इसमें, कुछ common बात, कुछ ऐसी भी बातें थी जो हमारी practical life से related होती है। ठीक है ना, कि हमें पता लगा कि हाँ चीजें कैसे काम करती है, जैसे ECG का ही ले लो। अच्छा चलो, आपसे थोड़ा सा एक question पूछते हैं ECG का। ECG याद है आपको? I have discussed with you. मान लो एक नॉर्मल ECG है, कैसे दिखती है एक नॉर्मल ECG? यू विल हैव अ पी वेव एंड देन यू विल हैव अ क्यू वेव एंड देन यू विल हैव अ टी वेव, इज इट? ठीक है, मान लो ये एक नॉर्मल ECG है, इस तरीके से नॉर्मल ECG। ये एक नॉर्मल ECG बनाई हमने, ठीक है ना, पी वेव, क्यू वेव, टी वेव, और यहाँ पे मैं एक और ECG ड्रॉ कर रही हूँ। आप मेरे को डिफरेंस बताना बस कि इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है। जस्ट अ सेकेंड, इन दोनों ECG में, ECG 1 एंड ECG 2 में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? हम जो QRS वेव है ना, हम फर्स्ट में तो वो थोड़ी बड़ी है, हम जो सेकंड में, वो मेरी ड्राइंग में गलती होगी, मैंने बड़ी छोटी में अंतर नहीं करा आपकी बार, बड़ी छोटी में मैंने अंतर नहीं करा, मैं दोबारा ड्रॉ करूंगा, ये मे भी मेरी ड्रॉइंग की वजह से आपको लग रहा होगा, मैंने सेम बनाने की कोशिश करी अपनी तरफ से। टाइम बिटवीन, वेरी नाइस सुषमा, वेरी नाइस। ये देखो मैं दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ आपको, ये बड़ी छोटी वाला अंतर लग रहा है तो मैं इसे थोड़ा और दोबारा कोशिश करती हूँ। मैं बराबर दिखाना चाह रही थी ECG 1 और ECG 2 में जो QRS वेव है, मैं उसे बराबर ही एम्पलीट्यूड का दिखाना चाह रही हूँ। अभी बराबर लग रही है क्या? आर यू फीलिंग इट? दे आर इक्वल, ECG 1 और ECG 2 QRS वेव आर इक्वल। ठीक है ना, सुषमा ने थोड़ा सही पॉइंट आउट किया है, और कोई कुछ पॉइंट आउट करना चाहता है?
और कोई कुछ पॉइंट आउट करना चाहता है? दिस इज पी वेव, दिस इज टी वेव, दिस इज टी एंड हियर टी एंड पी एंड दिस इज टी वेव एंड दिस इज पी वेव. हां जी, क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है इसमें? ड्रॉइंग पे मत जाना आप लोग प्लीज, आप लोग एनालिसिस में देखना चाह रही हूँ कितना कर पा रहे हो. थोड़ा ये दो ईसीजी है हमारे पास, क्या लग रहा है आपको? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो ईसीजी वन है वहां पे जो टाइम है बिटवीन द क्यू आर एस एंड टी इज मच लार्जर देन द ईसीजी टू. राइट राइट और रॉन्ग? राइट राइट. अब आप लोग मुझे बताएंगे कि क्यू आर एस वेव क्या शो करती है, क्यू आर एस वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? ऋषभ बताएंगे मैम. डिस्क्राइब द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल. बिल्कुल सही, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, बिल्कुल सही, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल. ठीक है ना, नीट आपके एप्लीकेशन को देखेगा, आपने पढ़ लिया उसके बाद आपको अप्लाई करना आना चाहिए. वेंट्रिकल सिस्टोल, बिल्कुल सही है, एक ही बात, वेंट्रिकल सिस्टोल, बिल्कुल ठीक, वेरी नाइस. अब आप लोग मुझे बताएंगे, कौन बताएगा कि टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, बिल्कुल सही, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, बोले तो वेंट्रिकल डायस्टोल. सही लिखा मैंने, गलत भी लिख दू कभी तो बता दिया करो आप. आप भी मुझसे नहीं सीख रहे, मैं भी आप लोगों से सीख रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो अभी इतनी बड़ी हुई ही नहीं हूं ना कि मैं सब कुछ जान जाऊं. कभी भी हम इतने बड़े होते ही नहीं कि हम सब कुछ जान जाए. हमें हमेशा लर्निंग फेज में रहना चाहिए. जहां से हमें अच्छा सीखने को मिले, वी शुड ग्रैब दैट. ये एटीट्यूड आप अभी से अपने अंदर डेवलप करेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है. चलो बैक टू द पॉइंट. क्यू आर एस वेव डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल शो करती है, वेंट्रिकल सिस्टोल, बिल्कुल सही. टी वेव रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल शो करता है, वेंट्रिकल डायस्टोल शो करता है, बिल्कुल सही. अब आप लोग देख रहे हैं कि क्यू आर एस और टी वेव में टाइम रिड्यूस हो गया. यानी कि आप सोचो, इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दो, यानी कि वेंट्रिकल के सिस्टोल और वेंट्रिकल के डायस्टोल के बीच में टाइम रिड्यूस हो गया. मतलब अब वेंट्रिकल सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल बहुत जल्दी कर रहा है ईसीजी टू के अंदर. और ईसीजी वन में क्या दिख रहा है कि नॉर्मल जो वेंट्रिकल सिस्टोल करता है, फिर जो पर्टिकुलर टाइम जितना भी वो लेता है 0.5 सेकंड 0.4 सेकंड जितना भी, और उसके बाद डायस्टोल, और फिर कुछ सेकंड्स के बाद सिस्टोल और फिर डायस्टोल. लेकिन ईसीजी टू में क्या हो रहा है, ये टाइम बहुत कम हो गया है. आप गेस कर पा रहे होंगे कि ईसीजी टू कहीं ना कहीं ईसीजी टू एक फास्ट हार्ट बीट को शो करने की कोशिश कर रही है. क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये एक फास्ट हार्ट बीट को शो करने की कोशिश कर रही है? बच्चा लोग इसको एक टर्म यूज करते हैं साइंस में, टैकीकार्डिया. टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया जहां पे हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई है, कुछ 100 times फास्टर है नॉर्मल से. This is called tachycardia. ऐसे ECG से क्लिनिकल डायग्नोसिस किए जाते हैं. दिस इज जस्ट वन ऑफ वे. ये आपको जो आपने पढ़ा है उसे अप्लाई करने का जस्ट एक तरीका है, ठीक है. चलो, हमारा फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन खत्म हो गया. कैसा लगा ये चैप्टर, मजा आया, आनंद आया? देन वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. मे बी नई क्लास हमारा नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट होगा. थोड़ा सा इंट्रो आज दे देते हैं एक्सक्रीशन का. ये चैप्टर कैसा था यार, इंटरेस्टिंग था ना? मतलब फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाज इंटरेस्टिंग चैप्टर. नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा एक्सक्रीशन वाला, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इट्स क्लास. क्यों? क्योंकि इट इज अ कंसेप्चुअल चैप्टर. अगर इसका क्लास मिस हुआ, इसमें एक भी टॉपिक अगर मिस होता है ना, तो कॉन्सेप्ट इसका छूट जाएगा. ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये पढ़ के समझ में आने वाला चैप्टर है, ये पढ़ के समझ में आने वाला चैप्टर नहीं है. सिर्फ इसमें कॉन्सेप्ट लगते हैं, बेसिकली कॉन्सेप्ट इसमें लगते हैं कि कैसे जो किडनी है वो ऑस्मो रेगुलेशन करती है. इस चीज को समझना थोड़ा कंसेप्चुअल है, लेकिन एक बार समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट कि क्योंकि किडनी का हमें इसमें पता है, हमें पता है, पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हमें पता है इसमें हमें किडनी को पढ़ना पड़ेगा. एक्सक्रीटरी सिस्टम सोचते हैं दिमाग में तो किडनी का नाम आता है, तो किडनी को हम पढ़ेंगे इसमें, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल सही आपके दिमाग में आ रहा है. लेकिन किडनी दो काम करती है, पहला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी कि जो भी आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है उसे रिमूव करना, जो आपको पता है, आपको पता है एक्सक्रीशन चैप्टर का ही नाम है, यू विल स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का रिमूवल एंड एवरीथिंग.
एक दूसरा काम और होता है किडनी का जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, जिसका नाम चैप्टर की हेडलाइंस में नहीं है, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, तो दो फंक्शन अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ेंगे अपन दिस एक्सक्रीशन और दूसरा पढ़ेंगे अपन ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको अपन देख लेते हैं। यहां पे आ जाते हैं। एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? पढ़ा लूं 5-10 मिनट और। हालांकि मेरी तबीयत खराब है, बट आई जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट लाइक टीच यू। अगर आप लोग भी उतना ही कंफर्टेबल हैं, तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं क्लास को। हाय जोश, अरे वाह बहुत बढ़िया। स्कूल वूल की छुट्टी है क्या कल? हाँ जी, छुट्टी वुट्टी है क्या? क्या कल क्या है? अच्छा कल तो संडे भी नहीं है। फिर कैसे जोश वोश आई? रात में भी जोश वोश आई? मतलब आप लोग एनर्जेटिक हो, एग्जॉस्ट नहीं हुए अभी? मतलब पूरा दिन पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद भी? बहुत बढ़िया, ये तो बड़ा ही अच्छा है। छुट्टी नहीं है फिर भी मतलब एनर्जी, यही एनर्जी चाहिए बस, यही एनर्जी चाहिए आपको। एनर्जी मेंटेन करके रखनी है बस, और कुछ नहीं है। और अगर आपको लगता है कि पढ़ने का मन नहीं करता हमारा, तो मैडम बस यही समस्या है। अगर हमारा मन कर जाए तो पता नहीं, हम शायद जमीन और आसमान एक कर दें, इतनी पोटेंशियल हम रखते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ही ये है मैडम कि पढ़ने का हमारा मन नहीं करता। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दें कि पढ़ने का मन तो किसी का ही नहीं करता। कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ने का बहुत मन कर रहा है, अदरवाइज ऐसा नहीं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है ना, मैं एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, पर मैं एक आम जनता की बात कर रही हूँ। अगर आप आम जनता में जाओगे और उनसे पूछोगे तो पढ़ने का, भाई साहब टॉपर्स से भी पूछोगे ना, तो ऐसा नहीं है टॉपर्स का बहुत अंदर से पढ़ने का मन करता है। जो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हो, ऐसा नहीं कि उनका उमड़ उमड़ के मन कर रहा है मेरे को तो पढ़ना है बस, पढ़ाई वाह 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 मन कर रहा है पढ़ता ही रहूं बस। दे आर ऑल्सो वेटिंग कि कब उनकी पढ़ाई खत्म हो, वो कॉलेज में जाएं। हालांकि वो उनका मिथ है जो टूट जाएगा कॉलेज में जाने के बाद, कि पढ़ाई तो बंद नहीं होती कॉलेज में जाने के बाद। लेकिन बच्चा इंतजार यही कर रहा है कि 11वीं 12वीं पढ़ लूं, उसके बाद तो ऐश मिलेगी जिंदगी में। तो पढ़ने का भाई साहब मन किसी का नहीं करता है। फर्क क्या है जो बच्चा चला जाता है आगे और जो बच्चा नहीं जा पाता? फर्क कहाँ होता है? फर्क होता है कि कैन यू स्टडी व्हेन यू आर नॉट फीलिंग लाइक टू स्टडी। क्या आप तब पढ़ सकते हो जब आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा? That's the difference. ठीक है, और कुछ नहीं है। तो जो बच्चे बोलते हैं कि हम तो मन के मालिक हैं, दे आर नॉट मालिक ऑफ देयर मन, दे आर गुलाम ऑफ देयर मन। बी द मालिक ऑफ योर मन, तो हमेशा मन की मत मानो एंड मन से अपनी मनवाओ। कम बैक टू द चैप्टर एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो वट इज ऑल अबाउट, वट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट ऑफ, हमारी बॉडी के अंदर देर आर लॉट ऑफ मेटाबोलिक रिएक्शन विच आर अकरिंग, नॉट इन आर बॉडी, इन एवरी ऑर्गेनिज्म, इन एवरी ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक प्रत्येक जीव जंतु की शरीर में बहुत सारी मेटाबोलिक रिएक्शन हो रही हैं, और उन मेटाबोलिक रिएक्शन में बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, जो बाय प्रोडक्ट यूजफुल है वो बॉडी में यूज हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप, अभी आपने टेस्ट देख चुके हो रेस्पिरेशन का, उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही है, क्रैब साइकिल चल रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट का बॉडी में बहुत अच्छा अच्छा यूज है। कोई अमीनो एसिड बनाने में काम आ रहा है, प्लांट में क्लोरोफिल बनाने में काम आ रहा है, बहुत सारे यूज है उन प्रोडक्ट्स के, तो वो जाते हैं यूज हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऐसी भी हैं जिनमें ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं जिनका शरीर के अंदर कोई काम नहीं है, दे आर वेस्ट प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट्स को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव, आएंगे उस पे, आएंगे धीरे धीरे आते हैं बेटा, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। अब क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक, और प्रोटीन को बनाने वाला है अमीनो एसिड, प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक एंड प्रोटीन को बनाने वाला जो यूनिट है वो है अमीनो एसिड। तो क्योंकि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है, तो प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट लगभग हर मेटाबॉलिक रिएक्शन में है, अमीनो एसिड का इन्वॉल्वमेंट लगभग हर मेटाबॉलिक रिएक्शन में है।
अमीनो एसिड बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हमें बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन में हमें नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट मिल रहा है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, या फिर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट भी ना बोल के मैं डायरेक्ट बोलूं कि हमें अमोनिया जो है, अमोनिया वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट मिल रहा है, NH3, राइट? NH4 तो पॉजिटिव हो जाता है, चार हाइड्रोजन लगा दूंगी तो मैं प्लस का मेरे को चार्ज चढ़ाना पड़ेगा, राइट? केमिस्ट्री NH4 प्लस होता है, वैसे अमोनिया इज NH3, राइट? आ रहे हैं सर्वेश, हम अमोनोटैलिज्म पे आ रहे हैं, अभी हम अमोनोटैलिज्म पे आ रहे हैं, धीरे धीरे चलने दो ना, एक एक सीढ़ी चलते हैं तो गिरेंगे नहीं. यहां तक समझ आया आपको? अमोनिया एज अ वेस्ट, एज अ प्रोडक्ट, एज अ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के अंदर फॉर्म हो रहा है, ठीक है? अब आपको मैं बताती हूँ, अब आप में से पूछोगे मैम ये वेस्ट क्यों है, ये वेस्ट कैसे हुआ, अमोनिया का तो यूज हो सकता है अमीनो एसिड बनाने में, तो अमोनिया यूज क्यों नहीं हो जाता मैडम अमीनो एसिड बनाने के लिए? अगर आप मुझे ऐसा बोलोगे तो मुझे भी काउंटर कोई आंसर तो करना पड़ेगा, एंड व्हाट वुड आई आंसर? आई वुड आंसर कि बेटा अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक है, टॉक्सिक नहीं, हाईली टॉक्सिक, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, आपकी बॉडी जो है अमोनिया को अपने अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए आपकी बॉडी में कोई भी अमीनो एसिड का सिंथेसिस अगर होता है, कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो आपकी बॉडी में बनते हैं, अगर आपको बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा सा याद हो तो आपको याद होगा कि अमीनो एसिड दो टाइप के होते हैं, पहला असेंशियल और दूसरा नॉन असेंशियल. नॉन असेंशियल वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं खुद, और असेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं. यानी कि इतनी तो बात समझ आती है कि हमारी बॉडी में कई सारे अमीनो एसिड खुद भी बनते हैं. अब उन अमीनो एसिड को बनाने में क्यों नहीं यूज हो जाता ये अमोनिया? क्योंकि भाई ये बहुत टॉक्सिक है, आपकी बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकती इसे, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसे स्टोर नहीं कर सकती. तो फिर वो अमीनो एसिड बनते कैसे है? वो अमीनो एसिड एक्सचेंज से बनते हैं. अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड रख दिया, प्लस आपने मान लो एस्पार्टिक एसिड रख दिया, इन दोनों में रिएक्शन करवा दिया आपने, आपको अमीनो एसिड मिल जाते हैं एस्पार्टेट और ग्लूटारेट. ऐसे ट्रांस अमीनेशन वाली रिएक्शन से अमीनो एसिड बनते हैं, डायरेक्ट अमोनिया नहीं जाके जुड़ता अमीनो एसिड बनाने के लिए. इतनी बात समझ आती है? इतनी बात समझ आती है? ठीक है, अब ठीक है मैडम, इतनी बात अगर आप समझ में हमें आ भी गई, हमने मान भी लिया कि अमोनिया टॉक्सिक है, इसलिए वो अमोनिया वेस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है हमारी बॉडी के अंदर और अमीनो एसिड नहीं बनाता, तो फिर हमारी बॉडी अमोनिया का क्या करती है? क्योंकि आपकी बॉडी तो अमोनिया को थोड़ी देर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो एक्सक्रीशन का तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, वो उसको इतनी देर झेल ही नहीं सकती कि वो एक्सक्रीशन वाला जो टाइम है, जितनी देर वो बॉडी में रहेगा उतनी देर में बॉडी अमोनिया को झेल नहीं सकती. इसलिए बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी अमोनिया को कन्वर्ट कर देती है यूरिया में. कैसे कन्वर्ट करती है? एक बकायदा साइकिल चलती है आपकी बॉडी के अंदर जिसको बोलते हैं यूरिया साइकिल. कहाँ चलती है बच्चों यूरिया साइकिल? कहाँ चलती है किसी को पता है? लीवर में चलती है. लीवर में ये अमोनिया कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में, और फाइनली फिर बेटा ये यूरिया जो है ये बाहर रिमूव कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है, दैट वी कॉल एक्सक्रीट आउट, एक्सक्रीट आउट. तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक ह्यूमन जो है वो यूरियोटैलिक है. व्हाट इज मीन बाय यूरियोटैलिक? यूरियोटैलिक मतलब जो यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, जो यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं उन्हें बोलते हैं यूरियोटैलिक. तो आप, हम और आप क्या हैं? यूरियोटैलिक है, मतलब यूरिया को एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, यूरिया एज अ नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं. अगर मैं हम और आपको, यानी कि मैमल्स को, ह्यूमंस को, अगर मैं यूरियोटैलिक बोल रही हूँ, तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि जरूर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होंगे जो अमोनियोटैलिक होंगे, यानी कि जो अमोनिया एक्सक्रीट आउट कर रहे होंगे. बिल्कुल ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं. पर मैम ये तो हाईली टॉक्सिक है, सर्वेश ने कहा फिश. पर सर्वेश अगर मैं आपसे पूछूं कि अमोनिया तो हाईली टॉक्सिक है, फिर फिश कैसे अमोनिया को एक्सक्रीट आउट कर देती है? फिश क्यों यूरिया नहीं बनाती? क्या ऐसा है फिश के अंदर कि वो अमोनिया को बर्दाश्त कर लेती है? और अगर मैं आपको बताऊं कि फिश को बर्दाश्त करना ही नहीं पड़ता, फिश में जैसे ही अमोनिया बना तुरंत बाहर, बना तुरंत बाहर, उसे बर्दाश्त नहीं करना पड़ता. हमारे अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है कि बना और तुरंत रिमूव आउट, तुरंत बाहर, ऐसा नहीं. हमारे अंदर पूरा एक्सक्रीशन का एक प्रोसेस है,
इमीडिएट नहीं है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए अमोनिया को हमें बदलना पड़ता है यूरिया में। एक कारण है ये, दो कारण है वैसे अमोनिया को यूरिया में बदलने के। पहला कारण तो अमोनिया टॉक्सिक है, दूसरा कारण अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन जैसा कि अभी सर्वेश ने बोला कि मैम फिशेज अमोनिया टालिक है, बिल्कुल सही बोला, फिशेज अमोनिया एक्सक्रीट आउट करती हैं। फिशेज ही नहीं, बहुत सारे मैरीन ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे एक्वेटिक प्राणी अमोनिया ही एक्सक्रीट आउट करते हैं। क्यों करते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट? अमोनिया इतना जहरीला है फिर भी वो अमोनिया को ही क्यों एक्सक्रीट आउट करते हैं बेटा? क्योंकि उनमें अमोनिया बनते ही वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अमोनिया को बेटा एक्सक्रीट आउट होने के लिए चाहिए लॉट ऑफ वाटर। अमोनिया रिक्वायर्स, लिख लो या फिर एनसीईआरटी में लिखा हुआ तो अंडरलाइन कर लो, अमोनिया रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर टू एक्सक्रीट आउट। अमोनिया को बॉडी से बाहर रिमूव होने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। अब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के पास ये सुविधा है कि वो बहुत सारा पानी अपनी बॉडी से रिमूव कर सकते हैं, जबकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो है उनके पास तो ऑलरेडी पानी की कमी है उनके शरीर में, तो वो इतना ज्यादा पानी अफोर्ड नहीं कर सकते लूज करना, वो नहीं अफोर्ड कर सकती, उनकी बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकती कि उनकी बॉडी से इतना ज्यादा पानी बाहर जाए, इसलिए वो अमोनिया एक्सक्रीट नहीं करते। एक तो अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, दूसरा अमोनिया को बाहर निकालने के लिए बहुत पानी चाहिए, बॉडी से बहुत पानी भी बाहर जाएगा अमोनिया बाहर जाएगा तो। ऐसे अमोनिया सॉलिड फॉर्म में बाहर नहीं जाता, कंसंट्रेटेड फॉर्म में बाहर नहीं जाता, जबकि यूरिया कंसंट्रेटेड फॉर्म में बाहर जा सकता है, ठीक है? सो दिस इज वन ऑफ द रीजन। और इसके अलावा एक और वेस्ट है जो नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है, एक और वेस्ट है जो नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है, दैट वी कॉल्ड यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक कौन ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा? यूरिकोटैलिक वो होते हैं जिनका वेस्ट जो है वो यूरिक एसिड है। अब आपको बता दूं कि यूरिक एसिड एक नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है, एक न्यूक्लियोटाइड वेस्ट है, मतलब ये नाइट्रोजन से नहीं बना, ये न्यूक्लियोटाइड से बना है, ठीक है? और ये उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनको बहुत ज्यादा वाटर कंजर्व करना है, ठीक है ना? क्योंकि यूरिक एसिड जो है इट रिक्वायर्ड लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर टू एक्सक्रीट आउट, इट रिक्वायर्ड लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, इसे बहुत कम पानी चाहिए बाहर जाने के लिए। तो जिन ऑर्गेनिज्म को पानी की बेहद कमी है वो यूरिक एसिड को अपना वेस्ट चुनते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड को बाहर निकालते टाइम कम से कम पानी का लॉस होगा, जबकि अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते टाइम सबसे ज्यादा पानी का लॉस होगा, और यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते टाइम मीडियम लेवल के पानी का लॉस होगा, ठीक है ना? और ये जो डिफरेंस है ना, ये मिलियन टाइम्स का रहता है, मतलब कि अगर मैं कंपेयर करूं तो अमोनिया को जितना पानी चाहिए एक्सक्रीट आउट करने के लिए, उससे एक मिलियन टाइम्स कम अमाउंट ऑफ वाटर यूरिया को चाहिए एक्सक्रीट आउट करने के लिए, तो इतना भारी अंतर रहता है। यूरिकोटैलिक एग्जाम्पल है जैसे कि बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो है यूरिकोटैलिक है, यूरिक एसिड रिमूव कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी तक हमने थोड़ा सा एक इंट्रो सा देखा है बस खाली, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि भाई कैसे जो है, कैसे तो अभी नहीं है देखा, अभी तो हमने बस ये थोड़ा सा पता किया है कि एक्सक्रीशन किनका हो रहा है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उनके बारे में हमने डिस्कस किया थोड़ा सा। वी जस्ट डिस्कस अबाउट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकते हैं, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का मतलब क्या है, बेसिकली जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बन रहे हैं, ठीक है ना? दे आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शन में प्रोडक्ट जो बन रहे हैं जिनका बॉडी में कोई यूज नहीं है, ठीक है? आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो गुड बाय। स्क्रीन स्क्रॉल क्या करें, स्क्रीन आपको स्क्रीन स्क्रॉल क्यों करवानी है? क्योंकि मैं जब आपके पास नोट्स भेज ही दूंगी पीडीएफ बना के, तो फिर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना? ठीक है, यू विल गेट द नोट्स, और आप लोगों को नोट्स मिलते हैं, और अब से जो ग्रुप मेरे को नए बताए थे आप लोगों ने कि इन ग्रुप्स में भी भेज दो, उनमें भी भेज दूंगी, बट मेरी कंडीशन यही है कि आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना? अगर मैडम नोट्स बना के भेज रही है, ठीक है ना, रात को पीडीएफ बना के, मैम इज डूइंग द वर्क, तो आप लोगों से यही उम्मीद है मेरी कि आप लोग नोट्स को एक बार रिवाइज जरूर करा करें, जिस दिन क्लास हुई है उसी दिन नोट्स एक बार रिवाइज कर लिया करो, आपको बहुत बेनिफिट होगा, मैं सच बता रही हूँ। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, ओके बाय टू ऑल ऑफ यू। क्लास कैसी लगी चैट बॉक्स में बता दो, देन वी विल से गुड बाय, टाटा, गुड नाइट। वेलकम बच्चे, वेलकम, थैंक यू बेटा।